14 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता जो कश्मीर आंदोलन में गए थे उन्हें सपरिवार द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही शारदा समूह की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े 125 से अधिक शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया। फिल्म प्रदर्शन के पूर्व इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ओम प्रकाश शर्मा ने 11 सितंबर 1990 के आंदोलन का प्रत्यक्ष वर्णन किया। उस समय झाबुआ जिले से 118 कार्यकर्ता कश्मीर गए थे, जिसमें 9 छात्राएं भी थी। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेश दुबे ने उस परिस्थिति का वर्णन किया जो कश्मीरियों पर बीती थी। किरण शर्मा ने बताया कि पूरे शहर में हम सबको तिलक लगाकर विदा किया था, ऐसा लगा जैसे युद्ध के लिए जा रहे हैं। फिल्म के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए, अंत में राष्ट्रगान हुआ। कश्मीर आंदोलन में सहभागी रहे भरत व्यास, हेमेंद्र चौहान, धर्मेंद्र मालवीय आदि उपस्थित रहे। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जो फिल्म हम देख रहे हैं ये फिल्म उस वक्त जो दृश्य थे ऐसे ही वहाँ कश्मीर में चल रहे थे। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में देश भर के 100,000 लोगों को आमंत्रित किया था। झाबुआ जिले से 118 लोग गए थे, जिसमें 9 छात्राएं थे। 9 छात्राओं में अभी तो यहाँ किरण मौजूद है, अर्चना येलोर, शक्ति गिदवानी, संगीता मिश्रा, अर्चना येलोर और किरण नागर, राजकुमारी सिसोदिया जी, शारदा गोखले और वंदना, इतने लोग के छात्राएं थी। छात्रों में काफी लोग थे। हाँ, बात यह है कि जब कश्मीर से वहां जो लोग निवासरत थे उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा कि वो गैर धार्मिक थे, यानी दूसरे समाज के थे। ये स्थिति के लिए इतनी अलगाववादी घटनाएं थी वहां पर कि वहां पर वहां उनका रहना मुश्किल हो गया। और विद्यार्थी परिषद को ये मूवमेंट क्यों उठाना पड़ा, इसलिए कि वहां पर लाल चौक तो विद्यार्थी परिषद ने इस आह्वान किया देश भर से छात्रों से कि वे वहां जाएंगे और वहां झंडा फहराएंगे। ऐसा मूवमेंट था। हम सब लोग यहां से ट्रेन से गए, झाबुआ से जब हम निकले तो निकलते समय झाबुआ के लोगों ने सबका अभिनंदन किया, एक बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, सबको तिलक लगा के यहाँ से रवाना किया। वहाँ कुछ भी हो सकता था ये तय करके जाने वाले लोगों में आज यहाँ खड़े हैं ये लोग भी थे। और जब यहाँ से गए और जम्मू में उतरे, जम्मू से हम लोग पैदल मार्च करते हुए एक बसों के द्वारा हमको बिठाया और उधमपुर गए। उधमपुर से श्रीनगर के लिए हमको मूवमेंट करना था, सब लोग पैदल वहां से मार्च करी हमने। मार्च करते समय एक बड़ी सभा हुई, सभा के बाद हम आह्वान करते हुए सब लोग जा रहे थे। रास्ते में सेना ने और वहां की पुलिस विभाग की रिपोर्ट आई है कि यदि ये लोग वहां जाएंगे तो बड़ा विस्फोट होगा और इनके ऊपर हमला होगा, इसलिए हम आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, हम आपको यहीं पर गिरफ्तार करते हैं। वहां गिरफ्तार करने के बाद एक मौलाना आजाद कॉलेज था, उसकी बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल थी, उसके अंदर हमको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के पश्चात वहां के लोगों ने हम सबका स्वागत अभिनंदन किया। हर घर से कोई सेफल की बेटी दे रहा था, कोई भोजन दे रहा था, और कश्मीर के लोगों ने बहुत हमारा स्वागत किया। और वो लोग चाहते थे कि आप लोग पूरे देश भर में इस कश्मीर के विषय को आप लोगों ने उठाया, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। पहला ऐसा संगठन था जिसने इतना मूवमेंट उठाया। उसके बाद 2-3 साल बाद मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को लिया और कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने गए। उसमें आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कार्यकर्ता के रूप में वो भी वहां सम्मिलित थे। निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर कुछ कहे, फिर फिल्म हम सब लोग विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार। ऐसे माहौल में जाना बड़ा बहुत था, लेकिन झाबुआ जिसे कहते हैं कि आदिवासी जिला, यहाँ से 118 लोग संख्या में गए, हमको लगे कि भोजन करना है तो सारे घर सब लोगों के लिए खुले हुए थे।
वो बड़ा मर्मिक उस टाइम का वर्णन है, अभी भी याद करते हैं तो मन में बड़ा ऐसी पीड़ा होती है कि हमारे ही और मेरा आह्वान है कि बाकी लोग भी इस फिल्म को देखना है, ऐसा आप भी प्रयास करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। ये इसलिए भी है, करना पड़ रहा है, कुछ काम तो अपने आप करना पड़ता है, ये पब्लिसिटी के लिए तो हो सकता है कि फिल्म देखने आए, लेकिन हमारे को हम सबको ये तय करना पड़ेगा कि हमारे आसपास कोई ऐसा अलगाववादी कश्मीर पैदा न हो। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आपको भी कहना है वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो आपको कहना सारा का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।